हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी? अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? Am I properly audible and visible to all? Yes or no? जल्दी से कंफर्मेशन दे दो यार। A very good morning to all of you यार। जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से कंफर्मेशन दे दो। Good morning, अजय जी। Good morning. Just a minute, just a minute, just a minute. चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट एनी डिले नाउ। आज हम जो है बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ फरवरी है, मतलब मंथ का पहला दिन, और पहले दिन हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं और नए तरीके से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर वन बाय वन आपको सारी चीजें मिलती जाएंगी, तो जल्दी से फटाफट तरीके से सेशन को शेयर करो, फटाफट तरीके से सेशन को लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पर ये सेशन होने वाले हैं खास, और ये सेशन आपके किसी भी AEJEE एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो जितने भी AEJEE एग्जाम्स होते हैं उनके प्रीवियस ईयर को कंसीडर करते हुए हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये हम बात करते हैं सभी जगह इंपॉर्टेंट निकल करके आएंगे। ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये सभी एग्जाम्स के लिए, तो बिल्कुल आप किसी भी AEJEE इंडिया के किसी भी AEJEE एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल निकल करके आएगी। तो वन बाय वन सेशन को शेयर करते चलो और सेशन को लाइक कर दो, जो लोग नए आ रहे हैं वो सेशन को लाइक कर दें और शेयर करते चले फटाफट तरीके से, फटाफट तरीके। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, यहां पर पहले क्वेश्चन के साथ यहां पर स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, द क्रॉस बीम, अगर हम बात करते हैं द क्रॉस बीम विदाउट एंड लेस स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। चलो द क्रॉस बीम क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेव ऑफ बीम इज डिफाइंड एज, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेव ऑफ बीम, अगर हम वेव ऑफ बीम की बात करें तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये वाला पोर्शन जो कहलाता है वो वेव कहलाया जाता है, और ये वाला पोर्शन क्या होता है, वे फ्लेंज कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, फ्लेंज कहा जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि वेव ऑफ द बीम के क्रॉस सेक्शन को क्या डिफाइन करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं बीम, अगर डेप्थ ऑफ द बीम मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, जो डेप्थ ऑफ द बीम होगी वो हम बात करेंगे मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, इसकी थिकनेस के विड्थ ऑफ वेव के मल्टीप्लाई कर देते हैं, विड्थ ऑफ वेव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा क्या निकल के आता है, वो हमारा निकल करके आता है क्रॉस सेक्शन ऑफ वेव एरिया। ये वेव एरिया का क्रॉस सेक्शन यहां पर निकल करके आता होता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ वेव एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेव ऑफ बीम इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ द बीम मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेव थिकनेस, निकल करके आएगा। अगर हम विड्थ ऑफ द फ्लेंज मल्टीप्लाई बाय इट्स वेव थिकनेस होगी, विड्थ ऑफ द फ्लेंज की बात करें तो ये हमारा विड्थ ऑफ द फ्लेंज कहा जाता है, और मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेव थिकनेस, वेव थिकनेस, तो ऐसा कोई भी पैरामीटर यहां पर डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सम ऑफ द फ्लेंज विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द बीम मल्टीप्लाइड बाय द वेव थिकनेस, तो ये भी हमारा ऑप्शन दिखा करते हैं, यानी कि फ्लेंज का इसमें कोई भी हम कंसिडरेशन नहीं ले रहे होंगे, ठीक है, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर वन यहां पर सही आंसर हो गया है। तो हम बात करते हैं यहां पर ये कंडीशन होती है। अब हम बात करें वेब, वेब की बात करते हैं तो वेब हमारा क्या क्या करता है, शेयर को कैरी करता है, वेब हमारा क्या करता है, शेयर को हैंडल कौन करता है, वेब हमारा पोर्शन हमारा शेयर को कैरी कर रहा होता है, इसलिए यहां पर फर्स्ट की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर वन के लिए ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर टू की बात करो यार, क्वेश्चन नंबर टू की बात करो, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर टू, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जल्दी से सेशन को फटाफट शेयर कर दो जिससे सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। जल्दी 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 जल्दी, द करेक्शंस टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चेन लेंथ अलोंग द थीटा डिग्री स्लोप इज, अलोंग द थीटा डिग्री स्लोप इज, अगर अलोंग द थीटा डिग्री स्लोप निकालते हैं तो करेक्शन क्या लिखा जाता है, जल्दी बता दो करेक्शन क्या लिखा जाता है। तो देखो ये जो टर्मोलॉजी दी गई है ये किसकी दी गई है, ये टर्मोलॉजी जो दी गई है वो हाइपोटेंशन करेक्शन के लिए दी गई, हाइपोटेंशन करेक्शन के लिए दी गई, तो जो हम करेक्शन अप्लाई करते हैं वो हाइपोटेंशन करेक्शन कितना है, अगर देखो यहाँ पर 30 दिया गया है, 30 का मतलब क्या होता है, चेन लेंथ दी गई है, कितना चेन लेंथ दी गई है, तो जनरली हम क्या लिखते हैं उसको, एल सेक थीटा माइनस वन लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, एल सेक थीटा माइनस वन,
और अगर हम sec थीटा माइनस वन एल की वैल्यू लिखें तो अगर 20 मीटर चेंज होगी तो यहाँ पर 20 लिख देते हैं और अगर 30 मीटर चेंज होगी तो यहाँ पर 30 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर सारे आंसर किसमें दिए गए हैं, 30 मीटर चेंज के रिस्पेक्ट में दिए गए हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, यहाँ पर 30 मीटर हो जाएगा। अगर यहाँ पर एल की वैल्यू नंबर ऑफ लिंक्स के फॉर्म में रख देते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन हम नंबर ऑफ लिंक्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ लिंक्स के फॉर्म में भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और नंबर ऑफ लिंक्स के फॉर्म में भी यहाँ पर डेफिनेशन दी जा सकते हैं। अगर हम बात करें थीटा रेडियल में लिखोगे तो कितना होता है, 50 थीटा स्क्वायर हो जाता है, कितना 50 इंटू थीटा स्क्वायर निकल गया था तो 50 थीटा स्क्वायर। अगर 100 लिंक्स की बात करें तो 100 लिंक्स के रिस्पेक्ट में 50 थीटा स्क्वायर डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू निकल के आती है। और क्या होता है, 1.5 थीटा स्क्वायर बाय एल भी यहाँ पर वैल्यू निकल करके आ रही होती है। तो हाइपोटेन्यूज के इस फॉर्मूले से जब हम सेक थीटा का एक्सपेंशन करेंगे तो डिफरेंट तरीके के फॉर्मूला निकल करके आएंगे और उन फॉर्मूले के बेसिस पे हम यहाँ पर डिफरेंट तरीके से इस फॉर्मूले को आंसर कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम बात करते हैं आंसर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हाइपोटेन्यूज कलेक्शन, तो हमारा क्या होता है, ये निगेटिव निकल करके आता है, क्या होता है, निगेटिव। और हाइपोटेन्यूज अलायंस जो निकल के आता है वो इनडायरेक्ट मेथड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग कहा जाता है। डायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग किस पे, तो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड डिफाइन होता है, जबकि डायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग किसको बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग बोला जाता है स्टेपिंग मेथड को, किसको बोला जाता है, स्टेपिंग मेथड को डायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग यहां पर बोला जाता है। और वहां से हम कंडीशन से स्टेप्स के थ्रू फॉर्म करते हुए वहां पर स्लोपिंग ग्राउंड पर हम एक मेथड निकालते हैं, दोस्तों स्टेपिंग मेथड कहते हैं। तो सेकंड का आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात सभी को, यस और नो, बहुत बढ़िया। चलो तो हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जान करते हैं यहाँ पर सर तीसरे क्वेश्चन पे, चलो ना तीसरे क्वेश्चन पे। मतलब यार ऐसा क्या हो जाता है कि मतलब एक दिन अगर गलती से क्लास नहीं हो पाई, कल तुम्हारी क्लास नहीं हो पाई, ठीक है, तो आज बच्चे गायब हो गए, आज बच्चे गायब हो गए, जल्दी से सेशन को शेयर करो, जल्दी से सेशन को शेयर करो, फटाफट तरीके से सेशन को शेयर करो, ठीक है, सेशन को शेयर करो, सबको इन्फॉर्म करो, जाना तो सभी को कि भैया आज क्लास हो रही, कल कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण क्लास नहीं हो पाई है, तो आज क्लास आपकी प्रॉपर चल रही है, मतलब तुम बेवफा हो जाते हो, है ऐसा बेवफाई दिखाने लगते हो क्या। चलो 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 जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा, मैंने शेयर कर दिया तुम भी जल्दी से शेयर कर दो, मैंने शेयर कर दिया तुम भी जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके कैल्सिनेशन से बनता है, कैल्सिनेशन से बन रहा होता है क्या, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के कैल्सिनेशन से तो नहीं बनता है, लाइमस्टोन के कैल्सिनेशन या लाइमस्टोन की रिएक्शन के थ्रू क्या बनता है, जिप्सम बन रहा होता है। और जिप्सम से हम क्या बना रहे होते हैं, जिप्सम से हम बात करते हैं, जिप्सम से हम क्या लेके आते हैं, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस निकल करके लाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यहां पर निकल करके आते हैं। और जिप्सम कहां का यूज होता है, अगर जिप्सम बात करें तो एज अ रिटार्डर सीमेंट के अंदर हम जिप्सम को यूज कर रहे होते हैं, एज अ रिटार्डर अगर हम बात करें जिप्सम को हम कहां पर यूज करते हैं, रिटार्डर हम जिप्सम को यूज करते होते हैं, किसके, सीमेंट के अंदर भी हम यूज कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम बात करें मोस्टली डेकोरेटिव वर्क, कॉर्नेसेस, फॉल्स सीलिंग, इन सभी के लिए यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो इसका वेट जो होता है बहुत कम होता है, लाइट वेटेड होता है, जिसके कारण हम डेकोरेटिव पर्पस से भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कंडीशन यहां पर निकल कर जा रही, ठीक है। तो थर्ड की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर होगा, थर्ड की बात करेंगे ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर टू यहाँ पर राइट आंसर। अच्छा कोई जिप्सम का फॉर्मूला बताएगा, जिप्सम का फॉर्मूला होता है हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट क्या निकल गया था, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट जो निकल गया था वो हमारा क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला निकल गया है, ठीक है। यस यस बिल्कुल, तो हम बात करें कैल्शियम सल्फेट अगर हम बात करते हैं तो जिप्सम का फॉर्मूला निकल गया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसी तरीके से डिफाइन हो रहा होता है। तो जल्दी से सेशन को शेयर करो, फटाफट तरीके से सेशन को शेयर करते चलो, आगे बढ़ते चलो भाई, जल्दी जल्दी, गुड मॉर्निंग जल्दी। एस्टीमेट द थ्योरेटिकल हाइट ऑफ अ कैपिलरी इन अ फाइन ग्रेन सॉइल, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा यार, मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसमें सॉल्यूशन निकालो जल्दी से, फटाफट सॉल्यूशन निकालो यहां पर।
तो देखो, एस्टिमेट द थ्योरेटिकल हाइट ऑफ अ कैपिलरी इन अ फाइन ग्रेन सॉइल, इसमें सॉइल में कैपिलरी हाइट निकालना है, ठीक है, थ्योरेटिकल निकालना है तो मैक्सिमम हाइट जो जा सकती है, विद इफेक्टिव साइज ऑफ 0.02 mm एंड वॉइड रेशियो ऑफ 0.5 टेंजागी एंड पैक रिलेशनशिप टेक द एम्पिरिकल कांस्टेंट एट 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसने क्या बोल दिया, एम्पिरिकल रिलेशनशिप बोल दिया है, वो 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दिया, कितना 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देखो अब हम बात करिए, अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये डायमेंशन साइज भी किसमें लगाना पड़ेगा, सेंटीमीटर में लगाना पड़ेगा. तो एच सी अगर हम अगर टेजागी एंड पैक रिलेशन के अकॉर्डिंग एच सी इक्वल टू कितना था, सी अपॉन ई इंटू डी टेन निकल करके आता है, यस और नो, सी अपॉन ई इंटू डी टेन निकल के आता है, यस और नो. अगर ये निकल करके आएगा तो सी इक्वल टू कितना दिया है, 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है. और अगर हम बात करें 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ई की वैल्यू कितना है, 0.5 दे दी गई है, और ये वैल्यू कितना एमएम में दी गई है, और ये किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो हम ये जो वैल्यू है इफेक्टिव साइज की, इसको किसमें अप्लाई कर देंगे भैया, किसमें अप्लाई करेंगे, अगर हम एमएम में अप्लाई करेंगे तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, तो किसमें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 0.002 सेंटीमीटर निकल करके आएगा, 0.002 सेंटीमीटर. तो यहां पर हम बात करेंगे, इसको सॉल्व करने की बात करते हैं, तो सॉल्व करने की बात करेंगे, यहां पर 1000 हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा, तो हम बात करेंगे यहां पर कितना, 3, अगर हमारे 30 हम बात करते हैं सेंटीमीटर निकल करके आएगा, जो किसके बराबर होगा, 3 मीटर के बराबर निकल करके आएगा. अगर 0.3 मीटर के बराबर निकल करके आएगा, कितना 3 मीटर के बराबर निकल करके जाएगा, तो 3 मीटर के बराबर आंसर हो जाएगा. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा. क्लियर है बात, हाँ या ना, 0.3 मीटर क्यों होगा भैया, ये गड़बड़ कर दी कुछ, ओके ये भी डेसिमल हटा दिया था, तो ओके 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 ओके, तो हमारा 300 सेंटीमीटर आएगा, 0.3 नहीं 300 सेंटीमीटर, तो ये निकल करके आएगा 300 सेंटीमीटर, मतलब 30 मीटर, 3 मीटर, ओके चल 0.00002 होगा ना, एमएम से सेंटीमीटर करना है ना, बफर हो रहा है क्या, सभी को बफर हो रहा है क्या यार, क्या सभी को बफरिंग इश्यू आ रहा है क्या, बफर हो रहा है, अभी एक बार रिफ्रेश करो, एक बार रिफ्रेश कीजिएगा, एक मिनट रुको, जस्ट सब मिनट रुको. चलो अभी क्लियर है, चलो अभी क्लियर आ गया है, इज दिस क्लियर नाउ इज दिस क्लियर नाउ, बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर, चलो बहुत बढ़िया. हाँ ओहो, बड़े परेशान हो जाते बफरिंग में, ऐसा लगता है कि क्या हो गया है, रे 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 रे. तो ये समझ में आया या नहीं, तो इसको बोलते हैं क्या, टेजागी पैक रिलेशनशिप. अगेन अगर हम बात करते हैं तो एक और रिलेशनशिप दिया गया था जिसमें बोला गया था जो हमारा इफेक्टिव साइज है, जो हमारा डायामीटर है वो इफेक्टिव साइज का कितना होता है. तो ध्यान रखना इफेक्टिव साइज का 1/5 होता है. इफेक्टिव साइज का अगर हम बात करें तो इफेक्टिव साइज का कितना 1/5 निकल करके आ रहा था. तो हम बात करते हैं 20% ऑफ इफेक्टिव साइज. जो डायामीटर हम कैपिलरी में यूज करते हैं वो कितना 1/5 ऑफ इफेक्टिव साइज निकल करके आ रहा होता. तो ये भी हमने यहां पर कंडीशन पढ़ी हुई थी. तो फोर्थ का आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा. चलो रे फिफ्थ का आंसर, बल्किंग ऑफ सैंड अकर्स ड्यू टू. तो एयर इन वॉइड अगर हम बात करते हैं, एयर इन वॉइड के कारण मॉइस्चर हेल्ड इन द वॉइड ड्यू टू द सरफेस टेंशन. बिल्कुल सही बात है. अगर हम बात करते हैं एयर इन वॉइड, वॉइड में एयर के कारण ये तो बिल्कुल भी निकल के नहीं आता. बल्किंग का मतलब क्या होगा, बल्किंग का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट पर जो सैंड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है. सैंड का वॉल्यूम क्या है, वो बढ़ जाता है. और सैंड का वॉल्यूम बढ़ना एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट पर, उसको हम क्या बोलते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं. और अगर हम बात करें ये बी मैक्सिमम निकल करके आता है, और ये कब होता है, 4-6% ऑफ वाटर कंटेंट में निकल के आता है.
अगर हम बल्किंग की बात करें तो फाइन सॉइल में बल्किंग एज कंपेयर टू कोर्स सॉइल ज्यादा होती है। फाइन सैंड में बल्किंग जो होती है वो एज कंपेयर टू कोर्स सैंड ज्यादा निकल करके आती है। और ये जो बल्किंग चेंज इन वॉल्यूम आता है वो कितना अप टू 40% तक चेंज होता है, 30-40% तक चेंज यहां पर निकल करके आ रहा होता है। तो बल्किंग ऑफ सैंड की बात करते हैं, एयर इन वॉइस के कारण होता नहीं, क्या होता है कैपिलरी के कारण या सरफेस टेंशन के कारण कैपिलरी राइज होगा सैंड में, और कैपिलरी राइज के कारण जो उसका स्ट्रक्चर है वो हनी कॉम्बिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और हनी कॉम्बिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के कारण वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जैसे जैसे वॉटर बढ़ाते जाते हैं वो हनी कॉम्बिंग स्ट्रक्चर क्या होता है लॉक हो जाता है, खत्म हो जाता है, और खत्म होने के बाद वो क्या होता है अपने ओरिजिनल शेप में रहता है। तो हम आते हैं मॉइस्चर हेल्ड इन वॉइस ड्यू टू द सरफेस टेंशन, बिल्कुल सही होगा। तीसरा, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सैंड, साइज ऑफ द सैंड पार्टिकल में कोई भी इंक्रीज निकल करके नहीं आता है, और विस्कोसिटी के कारण तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता है। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। तो फिफ्थ की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। तो फिफ्थ की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जल्दी से, सिक्स नंबर की बात करो जल्दी से, फटाफट शेयर करो क्वेश्चन को, सेशन को फटाफट शेयर करो जल्दी 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 बताओ, फटाफट शेयर करो सेशन को यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, सेशन को शेयर कीजिएगा फटाफट चलिए जल्दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू यार, कितनी बार गुड मॉर्निंग करते रहोगे, जल्दी से शेयर करते रहो सेशन को, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताओ जल्दी से, फिफ्थ का आंसर बताओ, सिक्स का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। तो हम आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द आउटगोइंग्स अ सर्टेन प्रॉपर्टी फेच अ नेट एनुअल इनकम ऑफ 1500, नेट एनुअल इनकम ऑफ एनआईआर जो हम निकालते हैं वो हमारा निकल गया 1500, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ 25,000 विल बी। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है कैपिटलाइज वैल्यू के बारे में, मतलब इयर्स परचेज निकाल लो, क्या निकाल लो इयर्स परचेज निकाल लो, तो इयर्स परचेज हम यहाँ पर निकाल सकते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, नेट एनुअल इनकम इंटू नेट एनुअल इनकम, अगर हम बात करते हैं या नेट नेट इनकम एंड नेट एनुअल नेट इनकम जो निकल करके आता है इनटू क्या होता है इयर्स परचेज निकल करके आता है इयर्स परचेज। और अगर हम इयर्स परचेज की बात करें तो इयर्स परचेज की वैल्यू क्या लग सकते हैं, तो नेट एनुअल इनकम कितनी है 25,000 है, और ये कितना आया है भैया 1500 आया, और नेट एनुअल इनकम कितना है 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा जा सकता है, 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल तो आई यहां पर चला गया, और ये कितना निकल के आएगा जल्दी, आई की वैल्यू कितनी आ रही है 2 जीरो से, अगर हमारे 3 जीरो से, 3 जीरो चले गए हैं हमारे 15 से, अगर हम बात करें 3 और 5 तो यहां पर कितना है आई हमारे 5 × 10 तो हमारे कितना आई इज इक्वल टू 6% निकल करके आ जाएगा, कितना 6%। तो आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर, आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन कहां से है, ये एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से क्वेश्चन है, तो ये कंडीशन निकल गया, ठीक है ठीक है। तो ये कंडीशन यहां पर निकल करके आए, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहां पर ये कंडीशन निकल करके आ रही, तो 6 नंबर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब मुझे ये बताओ इयर्स परचेज के और भी फॉर्मले हो सकते हैं, यानी तो इयर्स परचेज के और भी फॉर्मले हो सकते हैं, तो वो भी हमें यहां पर ध्यान रखने हैं, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्म में, एक नंबर ऑफ अगर हम कहें कैपिटलाइज वैल्यूज अपॉन नेट इनकम नेट एनुअल इनकम, इस फॉर्म में भी हम यहां पर इयर्स परचेज को डिफाइन कर सकते हैं। और ईयर परचेज का मतलब क्या होता है, ईयर्स परचेज का मतलब वो नंबर होते हैं, वो नंबर ऑफ ईयर होते हैं जिसमें हम जो कैपिटलाइज वैल्यू है कंप्लीटली रिकवर कर सकते हैं, कंप्लीटली क्या कर सकते हैं रिकवर कर सकते हैं, तो हम बात करते हैं उसको कंप्लीटली रिकवर कर सकते हैं, तो इसलिए हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। 7th नंबर का आंसर बताओ जल्दी से, अरे जल्दी से यहां वहां की बातें बंद करो जल्दी से, 7th नंबर का आंसर बताइएगा जल्दी 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 जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत उमदा तरीका बहुत उमदा, जल्दी 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 एक्सपांशन, अच्छा द ऑटोक्लेव टैक्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फिलिंग द ब्लैंक्स इन द पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऑटोक्लेव की बात करते हैं, तो ऑटोक्लेव क्या होता है साउंडनेस से रिलेटेड होता है, यानी ऑटोक्लेव किससे रिलेटेड होता है साउंडनेस, और साउंडनेस का मतलब क्या था चेंज इन वॉल्यूम, साउंडनेस का मतलब क्या था चेंज इन वॉल्यूम, तो ऑटोक्लेव जो होता है वो एक्सपांशन से रिलेटेड होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एक्सपांशन से रिलेटेड होता है। अच्छा ऑटोक्लेव तो हम यहां पर यूज कर रहे हैं, ऑटोक्लेव के अलावा अगर हम बात करते हैं तो कौन सा एक और मेथड है जो साउंडनेस को डिफाइन करता है, कौन सा एक और मेथड है जो साउंडनेस को डिफाइन करता है,
कौन सा? लीचेट लेयर प्रिंसिपल. लीचेट लेयर हम बात करें लीचेट लेयर एपरेटस जो होता है वो भी हमारा डिफाइन करता है. जबकि लीचेट लेयर किसके कारण निकालता है केवल और केवल, जल्दी बता दो, ये केवल और केवल ओनली ड्यू टू लाइन निकाल रहा हो, ओनली ड्यू टू लाइन यहां पर साउंडनेस को टेस्ट करता है. जबकि ऑटोक्लेव किसके कारण करता है? लाइन एंड ऑटोक्लेव किसके कारण करता है? जल्दी बताओ किसके कारण होता है ऑटोक्लेव? लाइन एंड, अरे जल्दी बताओ, मैग्नीशिया. लाइन एंड मैग्नीशिया, क्लियर है बात? लाइम एंड मैग्नीशिया, बहुत बढ़िया. लाइम एंड मैग्नीशिया के कारण यहां पर निकल करके आ रहा होता है. लाइम एंड मैग्नीशिया के कारण यहां पर निकल के आ रहा था. तो हम बात करेंगे यहां पर सेवन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा. तो सेवन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन एट नंबर. जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देते जाओ. जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो तुम्हारे लिए फायदा होंगे. अगर तुमने एक बार आंसर लिख दिया और तुम्हें लगा कि तुमने सही लिखा है तो बिल्कुल बिल्कुल सही समझ में आएगा. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही समझ में आएगा और मजा भी आ जाएगा यार, मजा भी आ जाएगा. क्लियर है बात? चलो जल्दी से आंसर बताओ. Which of the following represent the percentage line of porosity, percentage limit of porosity of the compacted sand? अगर compacted sand की बात करते हैं तो compacted sand के लिए percentage range of porosity कितना होता है? तो porosity is equal to क्या होता है? Volume of voids upon total volume निकल के आता है. तो ये porosity होता है. और void ratio क्या होता है? Volume of voids upon volume of solid निकल करके आता है. Porosity और void ratio के बीच में relation क्या है? E is equal to n upon 1 minus n आंसर निकलेगा, या n is equal to E upon 1 plus E आंसर निकल करके आता है. ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि porosity की range क्या है. तो porosity की जो basically range निकल के आती है वो कितना? वो 30-40% निकल करके आ रही होती है. कितना? 30-40% निकल करके आती है. जहां void ratio होता है 90% से ज्यादा निकल के आएगा. void ratio जो होता है 90% से हम बात करते हैं, 90% से ज्यादा यहाँ पर लगभग निकल करके आ रहा होता. तो हम बात करते हैं यहाँ पर किसमें? कॉम्पैक्टेड सैंड की बात करते हैं. तो वो कंडीशन यहाँ पर, तो एट की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर थ्री जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आ जाएगा. चलो भैया नाइन्थ नंबर की बात करो. नाइन्थ नंबर की, द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट एट 3 months टू एट 20 days ऑफ क्यूरिंग विल बी. 3 months टू द 28 days. तो देखो जल्दी बताओ आंसर क्या होगा. 3 months to 28 days. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. क्या हुआ? डाउट क्या आया भैया इनको? कोई बी बताता है, कोई सी बताता है? बेटा सी ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होता है. ठीक है अजय जी, आप टेलीग्राम चैनल पे एक बार मुझे भेज देना, वहां पर मैं आपको रेफरेंस भी भेज दूंगा. ठीक है, मैंने बी बताया था. क्या बात कर रहे हो यार, बुक हॉस्टल में कुछ देखो लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है. लैंग्वेज में अगर थोड़ा बहुत चेंज होगा तो बी आंसर भी होगा. लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज होगा तो बी आंसर होगा, अदरवाइज सी आंसर यहां पर है. सी आंसर ठीक है, सी आंसर नॉर्मली यहां पर बताया जाता है. चलो तो बिल्कुल यार ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. एक बार इस क्वेश्चन को मैं और ध्यान करूंगा, तुम एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, टेलीग्राम में जो भी है अभी भेज दो. मुझे ध्यान रहेगा कि मैं तुम्हें इसका रेफरेंस दे दूंगा, इसका रेफरेंस भी दे दूंगा तुमको. ठीक है, तो यहां पर देखो अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट फॉर 3 months टू 28 days. तो देखो 28 days में जो स्ट्रेंथ होती है वो लगभग 99% निकल करके आती है. कितना? 99% हम बात करते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें 99% हम बात करते हैं तो 99% यहाँ पर लगभग निकल जाती है. और 3 months में कितना हो जाता है? 3 months में 1 point something निकल के आता. कितना? 1 point something निकल के आता. तो 1.1 निकल के आता है. तो हम 99 upon अगर हम 3 months की बात करें और 99 की बात करें तो 1 से ज्यादा निकल के आता. कितना? 1 से ज्यादा. और 1 से ज्यादा यहाँ पर कौन सी वैल्यू है? यहाँ पर 2 वैल्यू 1 से ज्यादा है, लेकिन जनरली हम बात करें 1.15 निकल के आता. जनरली हम बात करते कितना? 1.15 निकल करके आ रहा होता है. अच्छा, एक दिन में अगर हम बात करें तो एक दिन में कितना स्ट्रेंथ रिकवर करता है? टोटल का कितना स्ट्रेंथ रिकवर करता है? लगभग 16% स्ट्रेंथ रिकवर करता है. 3 दिन में बात करो जल्दी से जरा, 3 दिन में बात करो. 3 दिन में लगभग अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 3 दिन में कितना होता है? 40% होता है. अगर हम 7 days की बात करते तो 7 days में कितना निकल करके आएगा? कोई मुझे बताएगा 7 days में कितना होता है?
लगभग 65% निकल कर गया था, लगभग कितना 65% निकल गया था। और 14 डेज में कितना होता है भैया, 14 डेज में जो निकल करके आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 90% निकल करके आता है, और 28 डेज में 99% यहां पर निकल करके आ रहा होता है। तो ये कंडीशन हम बात करते हैं यहां पर, क्लियर है बात। चलो तो हम बात करते हैं 1 मंथ में 1.1, 2 मंथ में 1.1, 1.5, क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये कंडीशन निकल अबे तो कल कॉम्पैक्ट सेट में वॉइड रेशियो 0.35 होती है, तो पोरोसिटी 0.25 आ रही है। चलो मैं उसको कंफर्म कर लूंगा, जहां तक आंसर मुझे सी है पता है उसका। अगर लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आता है, वहां पर लैंग्वेज में दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में आंसर अलग अलग दिए और दोनों एसएससी ने ही आंसर दिए, मैं बता दे रहा हूं तुमको, ठीक है। मैं उसका रेफरेंस भी तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। जीरो पॉइंट देखो, जनरली अगर हम बात करें तो हम 0.65 देते हैं सेंट का वॉइड रेशियो, याद है, जब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की कंडीशन निकालते हो, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 0.6 से 0.7 और मोस्ट कॉमनली 0.65 ले लेते हो, मोस्ट कॉमनली कितना 0.65 ले लेते हो, लेते हो या नहीं। तो उसी बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो वहां पर ऑप्शन नंबर दिया जाए, क्लियर हुई बात। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अरे ई मिनिमम होता है, हम फिर आईडी की वैल्यू निकाल लो, आईडी क्या होगा, मिनिमम होगा या नहीं, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा ना, तो बिल्कुल ये कंडीशन निकल करके आती है, ठीक है, क्लियर है बात। बेटा डेंस सैंड के लिए ई की वैल्यू 91% बोल रहे हो तो मतलब क्या वॉइड बहुत ज्यादा हो गए हैं बेला, ई की वैल्यू 91%, वाह यार, ई की वैल्यू 91% डेंस सैंड में, ओ सोते सोते जाग जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। लूज में होता है 91%, ऐसा नहीं होगा लूज में, होगा रे लूज में काहे परेशान होते, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर करूंगा, नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको, और अभी टेलीग्राम पर ये भेज दो, मैं उसमें और भी कर दूंगा। वाह यार वाह, प्रैक्टिकली सोचो, बिल्कुल सही बात है कि अगर डेंस होगा तो वॉइड्स कम होंगे, डेंस होगा तो वॉइड्स क्या होंगे, कम होंगे, वॉइड्स बढ़ेंगे नहीं, और वॉइड्स जब बढ़ेंगे तब वॉइड रेशियो की वैल्यू बढ़ती है, तो लूज में ज्यादा होता है और डेंस में क्या होता है, कम होता है। बहुत बढ़िया, तो नाइन्थ की बात करेंगे यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन जो है वो राइट आंसर निकल के आएगा, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो टेंथ नंबर की बात करो, यहाँ पर टेंथ नंबर का आंसर बताओ, टेंथ नंबर का आंसर जल्दी से, कप इज अ डिफेक्ट इन टिम्बर इंडिकेटेड बाय, कप इज अ डिफेक्ट इन टिम्बर इंडिकेटेड बाय। अगर कप की बात करते हैं, चाय वाला कप नहीं है, चाय पीने चले जाओ तुम लोग, कप के चक्कर में चाय वाले कप की मत करना, ठीक है। कप इज अ डिफेक्ट इन टिम्बर इंडिकेटेड बाय, क्या होता है, तो हम आते हैं कप जो होता है द कर्वेचर फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द टिम्बर, अगर लेंथ ऑफ द टिम्बर में जो हम निकल के आते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम वो बोल रहे होते हैं, क्या बोल रहे होते हैं, वो डिफेक्ट बोल रहे होते हैं, क्या बोल रहे होते हैं, वो डिफेक्ट यहां पर बोल रहे हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल निकल के आता है वो डिफेक्ट होता है। और जो लेटरल डायरेक्शन में यहां पर निकल करके आएगा, कैसा, लेटरल डायरेक्शन में जो निकल के आएगा तो हम क्या, द कर्वेचर फॉर्म इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ टिम्बर, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कफ निकल करके आता है, वो क्या होता है, वो कफ निकल करके आता है। अनइवन श्रिंकेज जो होगा वो क्या होगा, अनइवन श्रिंकेज तो यहां पर नहीं होता है, अ क्रैक विद Separate, which separate the fiber of wood, तो ये भी हमारा आंसर नहीं निकल जाता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो राइट आंसर। एक और डिफेक्ट होता है इसमें, क्या होता है वो, ट्विस्टिंग, एक और डिफेक्ट होता है इसमें, क्या होता है वो, होता है ट्विस्टिंग। तो ट्विस्टिंग भी यहाँ पर एक डिफेक्ट निकल करके आता है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो जनरली अगर हम बात करते हैं डिफेक्ट्स इन टिम्बर, जनरली हम बात करते हैं तीन मेन डिफेक्ट होते हैं जो शेप के बेसिस पे होते हैं, एक तो वो, एक तो कप, और एक होता है ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर्स, ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर्स भी यहाँ पर निकल करके आता है। तो ये हमारे तीन यहाँ पर बेसिक डिफेक्ट होते हैं शेप के बेसिस पे। तो टेंथ की बात करेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो इलेवेंथ नंबर की बात करो यहाँ पर, अरे रे 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 सर क्या कर रहे हो सर, जल्दी से आंसर दो इसका, जल्दी से आंसर दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ट्विस्टिंग टू वेन, चलो ठीक है,
चलो ठीक है, इसका आंसर बताओ, द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द पैसिव अर्थ प्रेशर कंडीशन इन अ कोरिलेशन लेस सॉइल इज। देखो अगर हम पैसिव की बात करते हैं तो पैसिव में जो स्ट्रेन निकल करके आता है वो कितना होता है, जो स्ट्रेन कहते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर कंडीशन, तो पैसिव में जो स्ट्रेन निकल करके आता है वो पैसिव कंडीशन में कितना होता है, वो 0.2 से लेकर के, अगर हम बात करते हैं 0.2 से लेकर के 1.5% तक भी निकल करके आता है, कितना 1.5% तक भी निकल के आता है, तो 0.2 से लेकर के 1.5% तक भी निकल के आता है। जबकि एक्टिव स्टेट की बात करें या हम बात करें 0.15 भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, मिनिमम जो हम होता है वो 0.15 होता है, लेकिन हम बात करते हैं 1.5 तक भी लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्टिव प्रेशर की बात करें तो एक्टिव प्रेशर के केस में ये बहुत ही कम होता है, लगभग 0.02% निकल करके आता है, 0.02%, और यहाँ पर 0.2 से लेकर के 0.15, तो हम बात करें 0.2 से लेकर के 0.15, और ये कितना होता है, ये 15% तक भी जा सकता है, तो हम आते एक्सटेंड होता है 15%, तो ये कितना है 0.15%, और ये हमारा 15% तक भी जा सकता है। तो पैसिव में स्ट्रेन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्टिव, जिस कारण से पैसिव में जो फोर्स होता है वो रिक्वायर्ड ज्यादा होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोर इज द राइट आंसर निकल के आएगा, मोर इज द राइट आंसर यहां पर निकल करके आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन निकल करके आ रही होती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे आप पैसिव की, तो पैसिव में बात करते हैं यहां पर, तो अगर हम बात करते हैं पैसिव में हम बात करेंगे कितना हुआ, तो हम बात करते हैं यहाँ पे 0.2 से 2% या 2 से 15%, और ये 0.2 से 0.15%। अब हम आते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट कितना होता है, 1 - sin φ / 1 + sin φ निकल करके आता है, ठीक है। और अगर हम पैसिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट की बात करें कितना, 1 + sin φ / 1 - sin φ निकल करके आ रहा होता है, तो ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरा चीज, एक्टिव के कंडीशन में कौन सा फोर्स इफेक्टिव होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो ध्यान रखना वर्टिकल फोर्स इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल, जबकि पैसिव के केस में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस बड़ी होती है एज कंपेयर टू वर्टिकल स्ट्रेसेस निकल करके आता है, तो ये भी कंडीशन हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें इसमें फेल्योर प्लेन का जो एंगल होता है, बताओ फेल्योर प्लेन का जो एंगल होता है यहां से कितना होता है, ये होता है 45 + π/2 निकल कर के आता है, कितना 45 + π/2 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, जबकि पैसिव के केस में जो ये एंगल निकल कर के आता है वो हॉरिजॉन्टल से कितना होता है, 45 - π/2 निकल के आता है, तो हम कहते हैं जो फेल्योर एंगल होता है 45 - π/2 निकल करके आ रहा होता है, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल के साथ 45 - π/2 और वर्टिकल के साथ 45 + π/2। यहाँ पर हम बात करते हैं, आप जनरली गड़बड़ कर रहे होते हैं, जनरली गड़बड़ आप यहाँ पर ही कर रहे होते हैं, तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान देना। 11th की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एट द बेस ऑफ पैसिव प्रेशर या एक्टिव प्रेशर निकालना है तो आप निकाल लोगे, तो ध्यान रखना पैसिव प्रेशर कोएफिशिएंट हमेशा एक्टिव प्रेशर कोएफिशिएंट से ज्यादा होगा, इसलिए पैसिव प्रेशर ज्यादा रिक्वायर्ड होता है एज कंपेयर टू एक्टिव प्रेशर, तो ये कोहेशन लेस सॉइल की कंडीशन में निकाला गया। तो 11th की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 12th नंबर का आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी इसका आंसर बताओ 12th नंबर का, 12th नंबर का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। क्या हो जाएगा, स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है, तो स्लेंडरनेस रेशियो इधर लिखा था I = mk² होता है, रेडियस ऑफ वाइब्रेशन का स्क्वायर होता है, तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है जल्दी बताओ, L इफेक्टिव अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन यही निकल के आता है, यानी L इफेक्टिव ये होता है या कुछ और होता है, जल्दी बता दो, ये होता है या तो कुछ और होता है, L इफेक्टिव अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन निकल करके आता है, यानी तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन आता है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ से निकालते हैं K = √I/M निकालना है, कितना I/M से यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं, और इसको ही हम लिखते हैं AK² क्या लिखते हैं AK² की भी बात करते हैं। अच्छा, एल इफेक्टिव की बात करें, अगर दोनों एंड हिंज होते हैं तो एल इफेक्टिव कितना होगा, दोनों एंड हिंज होते हैं, I/AB होता है और एम भी होता है, ठीक है, I/AB होता है और एम भी होता है, दोनों हो सकते हैं, अगर मास के फॉर्म में दिया हुआ तो वो होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के फॉर्म में दिया हुआ तो क्रॉस सेक्शन एरिया से भी निकाल सकते हैं, तो अगर दोनों एंड हिंज है तो कितना होगा, एल इफेक्टिव इक्वल टू एल होगा, अगर दोनों एंड फिक्स्ड है तो, दोनों एंड फिक्स्ड है तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों एंड फिक्स है तो दोनों एंड फिक्स होने के केस में क्या होता है, L/2 निकल करके आता है, कितना L/2 निकल के आता है, और अगर एक एंड फिक्स दूसरा फ्री हो तो कितना
2L निकल कर आएगा, कितना 2L निकल कर आएगा, और एक एंड फेज और दूसरा एंड हिंज जो हो तो कितना L बाई रूट टू निकल करके आता है, L बाई रूट टू निकल करके आता होता है। तो ये हमारी कंडीशन होती है। तो हमने बात की यहाँ पर 12th नंबर का, 12th नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 4 और यहाँ पर आंसर, ठीक है। चलो रे 13 नंबर का आंसर बता दो रे जल्दी से, बहुत बढ़िया। अब छोटे छोटे जाते जाते आ रहे हैं सारे एग्जाम में, तो चैन से सोने वाले जा रहे हैं, सो रहे हैं, जल्दी से आ रहे हैं। जितने भी लोग आ चुके हैं सभी लोग सेशन को शेयर और लाइक कर दो फटाफट, और इतने ही स्टूडेंट और आज तो तुम अर्धशतक लगा लो, आज महीने का पहला दिन है, अर्धशतक लगाओ जल्दी से, अर्धशतक लगा लो जल्दी से, फटाफट तरीके से अर्धशतक लगाओ, फटाफट तरीके से अर्धशतक लगाओ। बेंडिंग मूवमेंट अगर हम बात करते हैं तो बेंडिंग मूवमेंट एट द फिक्स्ड एंड विल बी, तो W क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ लगा दिया गया, किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ लगा दिया गया। तो हमसे पूछ रहा है भैया कि बताओ कि वो जो फिक्स एंड है उस पर कितना मूवमेंट निकल के आएगा, तो फिक्स एंड पे डायरेक्टली हमें फॉर्मूला पता है, फिक्स एंड पे जो मूवमेंट निकल के आएगा वो कितना होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 निकल जाएगा। एम ए की बात करें तो एम ए की बात करें तो एम ए की वैल्यू कितनी आएगी, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 निकल करके आएगा, कितना डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 निकल गया। तो हमारा आंसर कितना रहेगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 इज द राइट आंसर, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 इज द राइट आंसर निकल गया। कैसा, अगर हम बात करेंगे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 जे एफईएम के फॉर्म में आएगा, कितना अगर हम बात करते हैं तो 3/2 ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, अगर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 में देखा तो यहां पर आया और उसका 3/4 करना है तो 3/4 करेंगे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 आंसर निकल जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। अरे FEM का क्या होता है, 3/4 ऑफ FEM निकालो, FEM कितना होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 होगा, अब इसको निकाल लो तो अगर हम बात करते हैं तो इसको निकालो कितना होगा, 3/2 होता है, सॉरी 3/2 निकल जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 निकल जाएगा। क्लियर, तो गुगली हो गई यहाँ पर सबकी, हाँ। तो फिक्स एंड में हमने फिक्स एंड में बोला डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, ये एफईएम होता है, और एफईएम होता है उसका क्या 3/2 1.5 टाइम्स लोगे या नहीं, और इतनी लेको 1.5 टाइम्स, तो यहां पर हम बात करते हैं यहां पर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा, कि आंसर कितना होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। ओके, तो हम आते 13 का नंबर गुगली क्वेश्चन हो गया, और गुगली क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, गुगली नहीं कर देना रे, गुगली मत करना रे तुम लोग, ठीक है। जल्दी यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हुआ मोशन दास, क्या हुआ मोशन दास जी को, चलो 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 जल्दी आंसर बताओ यहां पर, आंसर क्या होगा इसका, बहुत बढ़िया तरीके से एज पर आई 456 रिकमेंडेशंस द मिनिमम पीरियड बाय विच द फॉर्म वर्क कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम कॉलम्स वॉल्स Beams is given by which of the following choice? अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा यहाँ पर निकाला जा सकता है, तो हम बात करते हैं मिनिमम टू मिनिमम, हम बताते हैं 16 आवर्स का पीरियड, टाइम पीरियड रख रहे होते हैं कितना 16 आवर्स का, ठीक है। तो हम बात करते हैं किसका 16 आवर्स की बात करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर राइट आंसर निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो 14 की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो 15 नंबर का जो था सीधे जो कोडल प्रोविजन था हमने उसको पढ़ा और अलग किया, ठीक है। लिमिट लिमिट लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल इंडिकेट, अगर लिक्विड लिमिट की बात करते हैं तो लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल क्या इंडिकेट करती है, तो फाइन सॉइल में जो लिक्विड लिमिट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल के, किसके कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल के, जितनी ज्यादा लिक्विड लिमिट होती है उतना ही ज्यादा क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी निकल के आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, शेयर स्ट्रेंथ को नहीं बताएगा, किसको बताता है कंप्रेसिबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, फिर गुगली हो गई, ध्यान कहाँ है तुम लोगों का, ध्यान कहाँ है, फिर गुगली कर दिया, ध्यान कहाँ है तुम लोगों का, ध्यान कहाँ भटक गया। तो हमारे कंप्रेसिबिलिटी, अगर हम शेयर स्ट्रेंथ की बात करें तो कंसिस्टेंसी किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की बात करें, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कंसिस्टेंसी जो इन्फॉर्मेशन देता है वो शेयर स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, तो ये कंडीशन निकल कर आती है कंसिस्टेंसी की, ठीक है। तो 15 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो
16. अच्छा, लिक्विड लिमिट के डिटरमिनेशन में जो हम कैसा ग्रांटी अपरेटस यूज करते हैं, तो जो हम सैंपल लेते हैं वो किस सीव साइज से पास किया होता है, किस सीव साइज से पास किया हुआ होता है, जल्दी बताओ, जल्दी किस सीव साइज से पास किया होता है। तो हम आगे 425 माइक्रोन, और ये एसएससी का एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, एसएससी का क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, 25 माइक्रोन यहां पर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो 16 नंबर की बात करो, यहां पर 16 नंबर, इफ द एरिया ऑफ अ स्लोपिंग सरफेस ऑफ अ प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट ऑफ मीन हाइट डी, साइड स्लोप एस रेशियो 1 एंड लेंथ एल इज, तो हम अगर द एरिया ऑफ अ स्लोपिंग सरफेस, द एरिया ऑफ अ स्लोपिंग सरफेस ऑफ अ प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट, प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट के लिए ऑफ अ मीन हाइट डी, साइड स्लोप एस रेशियो 1 एंड लेंथ एल इज, अगर लेंथ एल की बात करते हैं तो वो क्या निकल करके आएगा, तो लेंथ एल की बात करते हैं तो कितना निकल गया, एल डी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एस स्क्वायर निकल गया था, डायरेक्टली फॉर्मूला है जिसको याद रखना है, एल डी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एस स्क्वायर निकल गया है, जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला है उसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो 16 की बात करेंगे यहां पर राइट आंसर, ओके। 17 नंबर बताओ, 17 नंबर आंसर बताओ जल्दी से, 17 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से, बहुत बढ़िया। सेशन को शेयर और लाइक करो फटाफट तरीके से, फटाफट तरीके से सेशन को शेयर और लाइक करो। When the height of a signal is not the same as that of the height of the instrument, height of signal is not same as that of the height of instrument, then a correction applied for the measurement is known as. तो हम बात करते हैं यहाँ पर curvature correction कब लगाते हैं, जब अर्थ के curvature को consider करते हैं तब curvature correction लगा देते हैं, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। curvature correction की value कितनी होती है, curvature correction -0.07 और ये एटमॉस्फेरिक में रिफ्रेक्शन फिनोमेना के कारण हो रहा होता है, जिसको हम डी स्क्वायर अपॉन 14 आर भी लिख सकते हैं। एंड अगेन एक्सिस सिग्नल करेक्शन की बात करें, तो एक्सिस सिग्नल करेक्शन ही होता है जब हम बात करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट सिमिलर टू द, हम बात करते हैं किसके बराबर नहीं होता, इसके बराबर नहीं होता है तो सैटेलाइट की हाइट के बराबर, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर निकल गया। कितनी बातें कर रहे हो यार, थोड़ा तो शांति पकड़ो, बाकी लोग जो पढ़ रहे हैं उनके आंसर तो देखने दो यार, डाउट तो देखने दो, थोड़ा सा तो शांति पकड़ो भाई रे, हाय राम। बेला और मीना जी, तुम लोग यार नंबर चेंज कर लो, फिर व्हाट्सएप पे चलते रहना, बात करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे बातें कर रहा है जैसे कब के बिछड़े आज हम आके यहां ऐसे मिले हैं, ऐसा लगता है, हैरान। जैसे मेले में वो जुड़वा भाई नहीं बिछड़ जाते, जुड़वा भाई बहन बोल लो, कुछ भी कर लो तुम, जुड़वा भाई नहीं जुड़वा भाई बहन बोल लो, ठीक है, मैं भाई मिल गए। चलो तो हम आते हैं 17 की बात करते हैं, यहां पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर का आंसर बताओ, यहां पर 18 नंबर का आंसर बताओ, 18 आपके सेशन में छोड़ते दूसरे सेशन में मिलते, क्या बात है, अकॉर्डिंग टू द लेसिस, तो देखो दूसरा सेशन मिलने वाला होता है, ठीक है, 11:30 AM पर हमारा दूसरा सेशन होता है, जो हमारा मास्टर क्लास होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सभी लोग उसमें मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां भी होता है, और 12:30 बजे हम अपना जो है वो मास्टर क्लास करते हैं, वो सब्जेक्टिव क्विज के रिगार्डिंग करते हैं, किसके सब्जेक्टिव क्विज, तो ये दोनों मास्टर क्लास में आप अटेंड कीजिएगा, और 2 बजे हमारा AIADC का स्पेशल मास्टर क्लास भी यहाँ पर निकल जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द लेसिस द बैंड स्लोप इज गिवन बाय, फिल इन द ब्लैंक्स, F is the slip factor and Q is the discharge. तो लेटिस के अकॉर्डिंग जो हमारा स्लोप लिखा गया था वो कितना दिया था, F की पावर 15/3 अपॉन 3340, Q की पावर 1/6 निकल करके आता था, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पर बाकी सारे पैरामीटर निकाल लेते हैं, तो V is equal to क्या होता है, QF स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6 निकल गया था, जहां पर F इज इक्वल टू क्या होता है 1.76 अंडर रूट D, और D की वैल्यू किसमें mm में लिख रहे होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा पैरामीटर क्या होता है, मीन हाइड्रोलिक रेडियस। तो आर इज इक्वल टू कितना होता है 5/2 वी स्क्वायर बाई एफ निकल करके आता है, कितना 5/2 वी स्क्वायर बाई। तीसरा अगर हम आते हैं पैरिमीटर, मैट्रिक पैरामीटर कितना था 4.75 अंडर रूट क्यू निकल करके आ रहा होता है, 4.75 अंडर रूट क्यू। तो ये तीन बेसिक और फॉर्मुले हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान रखने होते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर ये वैल्यू निकालने होते हैं। तो 18 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो 19 नंबर की बात करो, कंबाइनिंग टू और मोर प्लॉट सिंगल प्लॉट इज नोन एज। अगर हम बात करते हैं दो प्लॉट्स को एक ही प्लॉट में कंबाइन करना, दो प्लॉट्स को एक ही प्लॉट में कंबाइन करना, उसको क्या बोल रहे होते हैं? तो जब हम दो प्लॉट को एक ही प्लॉट में कंबाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अमलगमेशन बोलते हैं। अमलगमेशन बोल रहे होते, क्या बोल रहे होते? अमलगमेशन बोल रहे होते। तो यहां पर ऑप्शन नंबर, तो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर क्या निकल गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, तीन कॉन्स्टेंट, तो ये हम बात करते हैं अमलगमेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्डिंग सेटबैक होता है। तो इमारत का हम बात करते हैं घटाव, देखो नाम से इमारत घटाव, बिल्डिंग सेटबैक मतलब कितना डिग्रेडेशन होता है। फ्रंट एज हम बात करते हैं फ्रंट पोर्शन को बोलते हैं, और बाइफर्केशन मतलब क्या होता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना, बंटवारा कर देना, बाइफर्केशन कर देना, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्या एडिशन की बात कर रहे हैं, पार्ट बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। तो बाइफर्केशन तो यहाँ पर आंसर नहीं होगा, फ्रंट एज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 19 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो 20 नंबर की बात करो, यहाँ पर कैलकुलेट द इंटरसेक्शन एंगल, कैलकुलेट द इंटरसेक्शन एंगल इन डिग्री फॉर द एनालिटिक टेलीस्कोप। ओहो, एनालिटिक टेलीस्कोप के लिए इंटरसेक्शन एंगल निकालना, वो भी किसमें? डिग्री में। तो ये मैंने डायरेक्टली आपको बताया था, यानी क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। ओहो, तो जल्दी बताओ, अगर tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, i बाई टू बाई एफ बताया था या नहीं, और i बाई टू बाई एफ मतलब i बाई एफ इंटू 1/2, और एनालिटिक लेंस के लिए f अपॉन i इज इक्वल टू कितना होता है, 100 होता है या नहीं, f अपॉन i इज इक्वल टू कितना होता है, 100 होता है या नहीं। तो f अपॉन i इज इक्वल टू 100, तो कितना होगा, 1/200 निकल के आएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/200, और अगर 1/200 की बात करें तो एक बार ध्यान देना, ये एंगल आएगा, ये थीटा आएगा, ये थीटा बाई टू होगा यार, ये थीटा बाई टू होगा, ये थीटा बाई टू होगा। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो तुम, कितनी आ रही है, जल्दी बताओ यहां से थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, यहां से थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 0.573। चलो हम आते हैं यहां पर 0.573, तो थीटा की वैल्यू आ रही है 0.573 डिग्री निकल करके आती है। तो यहां पर आंसर चेक कर लेते हैं, 0.573 इज द राइट आंसर निकल करके आएगा। चेक कर लो इसको जल्दी से, चेक कर लो यार जल्दी से, फटाफट चेक करो इसको, 0.573 इज द राइट आंसर है। तो 20 की बात करेंगे, यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर हमने क्या बनाया था, ये आई बनाया हुआ था, और ये क्या बनाया हुआ था, हमने एस बनाया हुआ था, और ये क्या होता है हमारा फोकल लेंथ निकल गया, यहाँ पर क्या फोकल लेंथ। तो उसी बेसिस पे हमने tan थीटा बाय 2 की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे। तो 20 की बात करेंगे, यहाँ पर ये आंसर होगा। चलो 21 की बात करो, यहाँ पर 21 का आंसर कितना होगा, जल्दी बताओ। द बेस्ट सीवर मटेरियल टू रेजिस्ट द हाइड्रोजन सल्फाइड कोरोजन इज, हाइड्रोजन सल्फाइड कोरोजन को रेजिस्ट करने के लिए बेस्ट सीवर मटेरियल कौन सा निकल गया था। तो हम बात करते हैं आरसीसी नहीं होगा, ब्रेक वैसा नहीं होगा, सब स्पेसिफिक सीमेंट नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों में रिएक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन हम आते हैं ग्लेज्ड स्टोन वेयर जो होता है, वो हमारे क्या होता है, बेस्ट सीवर मटेरियल निकल के आता है, किसके, हाइड्रोजन सल्फाइड के कोरोजन को रोकने के लिए। और आरसीसी स्ट्रक्चर में तो कभी भी हाइड्रोजन सल्फाइड की बात हम करते ही नहीं है, तो हम बात करते हैं यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात हम कभी आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए नहीं कर रहे होते हैं। तो 21 की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो 22 पे चलते हैं, 22 पे, अरे जल्दी जल्दी, अरे चैन से सोने वाले, जाग रहे हो यानी अरे कितना लिखोगे रे, कितना लिखोगे, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। हाय राम, मुझे तुम जीने दोगे यानी, ओहो, जल्दी। तो हम बात करते क्या, इन रिगार्ड टू पेमेंट मटेरियल सिलेक्शन, इन रिगार्ड टू पेमेंट मटेरियल सिलेक्शन, द साउंडनेस टेस्ट ऑन एग्रीगेट इज कंडक्टेड, एग्रीगेट पर क्या होता है, साउंडनेस टेस्ट को कंडक्ट किया जाए।
टू स्टडी द रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू, टू स्टडी द रेजिस्टेंस ऑफ, तो साउंडनेस टेस्ट की बात करते हैं तो मैकेनिकल एब्रेशन होगा नहीं, सोनोरस प्रॉपर्टीज भी नहीं होंगी, क्या होगी फ्री देन थाइंग भी नहीं होगा, क्या होगा बेहतरीन एक्शन, साउंडनेस का मतलब क्या है बेहतरीन एक्शन की बात करते हैं तो बेहतरीन एक्शन के यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर होगा, जिसमें हम बात करते हैं वेदर करेंगे इनको और उसके बेसिस में आंसर निकालेंगे, तो 22 की बात करेंगे बेहतरीन एक्शन इज द राइट आंसर, 23 की बात करें यहाँ पर कानीज मेथड इज द, ओहो ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूँ, कानीज मेथड, कानीज मेथड की बात है, कानीज मेथड कौन सा है, कानीज मेथड कौन सा है भैया, कानीज मेथड कौन सा है, कानीज मेथड जो निकल गया था वो हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड निकल गया था, कौन सा डिस्प्लेसमेंट मेथड निकल गया, डिस्प्लेसमेंट मेथड में कौन सा आता है एमडीएम आता है और स्लोप डिफ्लेक्शन भी आता है, कौन सा आता है एमडीएम भी आता है और हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन भी डिस्प्लेसमेंट में, अगर फोर्स मेथड की बात करें कौन सी होती है, फोर्स मेथड जल्दी बताओ होती है या नहीं, और अगर हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ, अगर हम बात करें सॉरी थ्योरम ऑफ फ्री मूवमेंट्स किस में निकल के आती है, थ्योरम ऑफ फ्री मूवमेंट्स किस में निकल के आती है, कॉलम एनालॉजी भी होता है, अच्छा तो हम बताए फ्री मूवमेंट्स किस में निकल के आता है, फोर्स मेथड में निकल के आता है, किसमें फोर्स मेथड में निकल करके आ रहा होता है, तो हम बात करेंगे 23 की, 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, 24 नंबर की बात करो रे, 24 नंबर की बात, 24 नंबर की बात करो जल्दी से, क्या होगा आंसर, बहुत बढ़िया सौरभ भाई, 24 नंबर पे आते ही 24 स्टूडेंट हो गए यहां पे, बाकी भाग गए 24 पे आते ही 24 स्टूडेंट हो गए, क्या बात है, 25 पे 25 होने चाहिए, पर 100 नंबर पे 100 स्टूडेंट तो होने चाहिए ना, हाय राम, मतलब ऐसे भागते हैं जल्दी से कि क्या बात, ओहो तो भागने की इतनी जल्दी रहती है जिंदगी में, कहीं भाग भाग के जाइए ना, मतलब भाग भाग रहे हैं सर, भाग रहे हैं, भाग भाग मिलकर भाग, चलो 24 की आंसर बताओ यार क्या होगा, थोड़ा सा चीज है The nominal land and lift allowed. देखो लैंड क्या होता है, लैंड होता है जहां हम बोरो पिट बना रहे हैं, इसके सेंटर से जहां तक हम मटेरियल को डंप करते हैं, तो डंप करने की कंडीशन तक का, उसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस निकल गया था उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं लैंड बोलते हैं, लेकिन अगर हम मटेरियल उठा रहे हैं और मटेरियल को यहां इसके सेंटर से लेकर के जितनी ऊंचाई तक हम उठा सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लिफ्ट बोल रहे होते हैं, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, उसको हम लिफ्ट बोल रहे होते हैं, तो लिफ्ट का मतलब है कि हाइट वाइज कितना उठा सकते हो, लेड का मतलब है शिफ्ट कितना कर सकते हो सेंटर टू सेंटर, तो हमारा जो पूछा जा रहा है लेड और लिफ्ट कितना होगा, तो लेड जनरली 30 मीटर लिया जाता है और लिफ्ट हमारा कितना 1.5 मीटर कंसिडर किया जाता है, तो लेंथ हमारा 30 मीटर और लिफ्ट जो होता है वो 1.5 मीटर, से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो यहां पर सही आंसर निकल करके आता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है चलो बहुत बढ़िया, 25 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जल्दी जाने दो, बहुत बढ़िया, तो सेशन को फटाफट शेयर करो और लाइक करो, फटाफट सेशन को शेयर और लाइक करो, इतनी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया सही आंसर दे रहे हो, तो देखो यहां पर क्या होता है, इन अ थिन सिलेंड्रिकल सब्जेक्टेड टू द इंटरनल प्रेशर इफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज दिस वन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दी गई है, तो बताओ सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस क्या होगी, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस का मतलब है हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब है सिग्मा एफ, तो हुप स्ट्रेस जो निकल करके आएगा वो 2 times ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकल करके आता है, कितना 2 times ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो हम बात करें 2 times ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यहां पे निकल के आएगा तो 60 Newton per mm² हमारा आंसर हो जाएगा, कितना 60 Newton per mm² इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट आंसर, तो 25 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है 25 के बाद 26 की बात करते हैं, यहां पर द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन डेप्थ डी विथ बी फ्रॉम अ सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द विड्थ इज, तो पैरेलल टू द रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में पूछा है, जल्दी बताओ, तो रेडियस ऑफ गायरेशन अभी निकाला था क्या, k = √i / a निकाला था या नहीं,
और I की वैल्यू कितनी होती है? BDQ by 12, I की वैल्यू लिख दो, I की वैल्यू लिख दो, BDQ by 12 निकल के आता है। और हम बात करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आती है, एरिया B into D निकल के आएगा, क्यों? रेक्टेंगुलर सेक्शन में B से B, D square से D square, तो मतलब ये कितना बचा? D square बचा। अगर D square बचा तो D by कितना? ये 2√3 निकल करके आएगा, तो D by 2√3 निकल के आएगा, और D by 2√3 निकालेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगली हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो 27 नंबर, ठीक है 27 नंबर आंसर बता जल्दी से। केएनसी क्या बात है, क्या मतलब तुम यही ऑब्जर्व कर रहे हो आज? अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, यही ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, तो क्या बोला? इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ विस्कस फ्लूइड नोन एज, विस्कस फ्लूइड के लिए जहां विस्कोसिटी को भी काउंट किया जाता है, तो विस्कस फ्लूइड के लिए जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन निकल करके आता है वो क्या होता है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो निकल के आता है वो नेवियर स्टोक इक्वेशन निकल करके आता है। तो हम बात करते हैं यहां पर, अरे यार हो जाता है यार कभी कभी, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया कि सी होंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, बट हम बात करते हैं यहां पर बाय डिफॉल्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी चलता है ऐसा। ठीक है, तो हम बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस बोला था, क्या बोला था? नेवियर स्टोक। और ये तो तुम्हारे अजम्पशन है कि तुम मान ले रहे हो सी, तुम मान रहे हो इसलिए वो सी आंसर है, तुम एक बार डी मान के देखो, डी आंसर जाएगा। ठीक है, तो अगला आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, या ए, ए मान लो ए आ जाएगा, ए मान लो ए आ जाएगा, जो मान के देखोगे वही आएगा। ठीक है, चलो अब मैं बोल रहा हूं 27 नंबर का आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलो चलो 28 नंबर का आंसर था इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन की बात करें, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है? एरिया टू बी इरिगेटेड, एरिया टू बी इरिगेटेड, अगर हम बात करें एरिया टू बी इरिगेटेड अपॉन क्या होता है? कल्चरेबल कमांड एरिया निकल के आता है, तो परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया जो निकल के आता है तो वो कंडीशन निकल के आती है। तो हम बात करें इट इज द परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया प्रपोज टू बी इरिगेटेड एनुअली, तो हम बात करें ये हमारा क्या हो सकता है? सही हो सकता है, ये हमारा क्या हो सकता है? सही हो सकता है। ठीक है, ये हमारा सही हो सकता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सही हो सकता है। Is always more than, बेटा always more than 100%, ऐसा नहीं बोला जाता है, always more than नहीं बोला जाएगा। क्यों? अगर always हम बोलेंगे तो seasonal intensity of irrigation में हमेशा less than one होगा, और अगर हम बोलते annually, अगर annually निकालते annually 100% से ज्यादा निकल करके आ सकता है, annually बात करें तो 100% से ज्यादा निकल करके आ सकता है, तो maybe और may not be possible ही वाला। ठीक है, बट ऑलवेज नहीं होगा ये, ऑलवेज तो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। Is the percentage that could be ideally irrigated? Is the percentage that could be ideally? Ideally बात कर रहे हैं, ideally तो यहाँ कुछ होता ही नहीं है, ideally तो यहाँ कुछ होता ही नहीं है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर ideally नहीं निकल के आता, तो ideally नहीं निकल, sorry, ideally नहीं निकल के आता, तो ये भी हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है, ऑलवेज पॉसिबल नहीं है, और ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर ऑल ऑप्शन ऑफ करेक्ट, तो बिल्कुल बकवास आंसर है, तो हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पर 29 नंबर, when the water flows through the soil deposit exert a drag force is called as, तो हम आते हैं जो वो ड्रैग फोर्स लगा रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सीपेज फोर्स, और सीपेज फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किसकी डायरेक्शन में होता है? फ्लो की डायरेक्शन में होता है। सीपेज फोर्स हमेशा कहां लगता है? फ्लो की डायरेक्शन में, यहाँ पर लगा होता है। 29 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 जो रहेगा वो आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, और कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर देंगे। कल से मैं उन सभी बच्चों के नाम यहाँ पर अनाउंस करूंगा जिन्होंने सही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में देखूंगा किसने आंसर दिया है, किसने आंसर नहीं दिया है। अब तुम्हारे लिए एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पर क्या है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर शो मोर में, जैसे ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन के शो मोर में जाएंगे, सेशन को शेयर और लाइक करो, फटाफट तरीके से शेयर और लाइक करो। और हम बात करते हैं जहां पर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर AEJEE सिविल की बात करते हैं, और AEJEE सिविल में आपको सभी कुछ मिल रहा होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो आपको पूरे के पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे होते हैं, तो SSC JEE CE सिविल मेंस का कोर्स भी यहाँ पर, एग्जाम डेट जो हो चुकी है 26 हमारी निकल के आ चुकी है, और इसमें आपको सभी कुछ यहाँ पर मिल रहा होता है।
तो 17 प्लस कोर्सेज हैं और इन्हीं कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन में आप अगर AI ATC दे रहे हैं तो वो भी ऐड कर दिया गया है, आगे RRB JEE आएगा तो वो भी ऐड कर दिया गया है, SSC JEE मेंस भी ऐड कर दिया गया है। और हम बात करते हैं यहाँ पर नॉन टेक्निकल, जो डिफरेंट स्टेट के नॉन टेक्निकल है उनको भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो ये कंडीशन यहाँ पर निकल करके आ रही है। साथ ही साथ मेरा ऑनगोइंग जो कोर्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स जो हमारा निकल करके आ रहा है वो भी यहाँ पर ऑनगोइंग कोर्स है, जिसमें और भी सब्जेक्ट्स आपके वन बाय वन कंप्लीट किए जा रहे हैं। देन हम बात करते हैं यहाँ पर AEJEE अगर सिविल की बात करते हैं तो हम काफी सारे कोर्सेज को यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं, वो भी एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। नेक्स्ट में बात करूंगा यहाँ पर कि जो आपके सुपर टीचर्स हैं, हम बात करते हैं जैसे निम्बस लर्निंग, स्वैट एकेडमी, रोहित यादव सिविल, इन सभी के लेक्चर्स आपको यहाँ पर एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। और बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर निकल के आता है कि आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। डाउट्स क्लियर होने का मतलब है कि जितने भी डाउट्स आपको आ रहे होते हैं वो सारे के सारे डाउट्स यहाँ पर आपके क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि लाइव सेशन जो होता है जिसमें आप अपने डाउट को क्लियर करते हैं, MCQ सेशन होता है अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने होती है। 1200 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे यहाँ पर, जिसमें SSC JEE के भी टेस्ट हैं, AEJEE के भी टेस्ट हैं, जितने भी एग्जाम है उन सभी के टेस्ट हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर रहे होते हैं। और 300 से ज्यादा स्टडी नोट जो लास्ट टाइम पे रिवीजन में आपको हेल्पफुल निकल करके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आप यहाँ पर 6 मंथ, 3 मंथ और 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसको अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर इतना पे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कोड यूज करना है जिसका नाम है वैभव, और वैभव कोड को यूज करके आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। तो RRB JEE भी अगर आप एनरोल करना चाहते हैं 12 मंथ के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज SSC आप 6 मंथ में कवर अप कर सकते हैं टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। कोड कैसे अप्लाई करना है, तो कोड यहां पर जाकर के अप्लाई करना है, यहां अप्लाई कीजिएगा कोड जो कि आपका है वैभव, VAI VAI VHAV, और वैभव कोड को जैसे ही अप्लाई करते हो यही कोर्स आपको 4289 मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलने वाला है। तो याद रखिएगा कोड, अगर हम बात करते हैं कोड को याद रखिएगा, वो कोड क्या है, कोड आपका जो है वो है वैभव, वैभव कोड आपको यहां पर मिल रहा होता है, ठीक है। क्लियर है बात, यस और नो, यस और नो, चलो सुना देता हूं। दो अच्छी लाइन, ठीक है। आज महीना है फरवरी, तो सुना जाता हूं कि गलतियां जो हुई मुसलसल दोहराना नहीं तुम, गलतियां जो हुई मुसलसल दोहराना नहीं तुम, तेरे दिमाग है पागल बताना नहीं, तेरे दिल में दिमाग है पागल बताना नहीं। और फरवरी का महीना है, फरवरी का महीना है इतना तो होगा ही, फरवरी का महीना है इतना तो होगा ही, हिचकियां बहुत आएंगी बट घबराना नहीं, हिचकियां बहुत आएंगी मगर घबराना नहीं। क्लियर है बात। चलो तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू गाइस, टाटा बाय बाय, ओके चलो 11:30 बजे में जाना सभी लोग।